Pray for me, you guys. Pray for Welcome me. Welcome to Eid Day 1. Assalamualaikum everyone. Welcome to Eid Day 1. मैं लग रही हूँ जी हूर और हमजा लग रहे हैं लंगूर. You guessed it right. तो ईद मुबारक टू यू ऑल. और अब मैं दूंगी ढंग से इंट्रो. सब्सक्राइब. जाते हैं हमजा विल गेट द काओ ज़िबा. काओ ज़िबा व्हाट डू यू से. हमजा जाएंगे काओ ज़िबा करवाने. काओ यार मैं लंगूर से क्या मैं नहीं कर सकती. क्या ब्लॉगर बनेगा रे तू. Welcome back to another day, another vlog. Eid Mubarak to you all. हमारी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक. हमारा चूजा पीछे घूम रहा है और as you all know ये मैंने स्टिच किया है. आज इसको भी ले लो. इसको नहीं स्टिच किया, कपड़े स्टिच किए. दिस इज लाइक अ मैचिंग आउटफिट जो मैंने अपना और इनाया का स्टिच किया है और उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी लगाने वाली हूँ. एंड लाइक और शेयर और ये रहा जी मेरा पूरा लुक. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं मैं कैसी लग रही हूँ. तो जी हम अब फॉलो करने वाले हैं हमारा रिचुअल जो के है. अस्सलाम वालेकुम. आशीर्वाद भी दे दें. तो जी हमेशा मुझे मिलती है ईद विद अ लव नोट. क्यों खाते नहीं है. बस बस इतना ही हो सकता है. पहले बहुत कर्जे चढ़े हुए हैं. एक नोट बॉयज इसके कर्जे चढ़े हुए हैं मुझ पर इतने. बट ओके कोई बात नहीं. कोई ईदी भी खर्च नहीं होती है. मैं हमेशा रखती हूँ जी बिना यूज करे. सो हमजा ऑलवेज राइट्स दीस क्यूट लव नोट्स फॉर मी. चूंकि थोड़ा पर्सनल है बट शो. ये सारी बैंगल्स किसने उतार दी सब बैंगल्स. अब प्रिंसेस कौन बनेगा. इसने टच बटन तोड़ दिया बाय द वे पीछे से. तो मैंने बेबी सेफ्टी पिन लगा दिया. वो कैसे बैठा हुआ है. ये मेरी दूसरी बिल्ली है बाय द वे. इफ़ यू न्यू टू माई चैनल दिस इज़ माई दूसरी बिल्ली. टेक्निकली ये पहले आई थी मेरी ज़िंदगी में तो ये पहली है. वो वाली दूसरी है बट जानू बिल क्यों बढ़ा रहे हो. देखना है देखो नहीं तो बंद करो. तुम कहाँ जा रहे. इसने उतारी हैं. आपने उतार के दिए हैं. क्यों कहाँ जा रही हो अब. और तबाही करने. और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे और याया के मैचिंग खुसस जो हमने. जस्ट लुक एट दीज हाउ प्रिटी. ये छोटू सा याया का है. आपने ये भी उतार दिया क्लिप. ये पेन आई थी जी. ये उतर चुकी है. सो आई थिंक मुझे रिंग लाइट बंद कर देनी चाहिए बिकॉज़ इट्स लाइक ऑन माय फेस. ये है मेरा आउटफिट. मैं जल्दी से एक मिनट जाओ एक से मिनट जाओ. ये मैं दूसरे से दिखा दूँ. ये है और ये मैंने कैसे बनाया है. मुझे कुछ रिकॉर्ड नहीं करने देती. मुझे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने देती है यू गाइस. ओके हमने लाइट बंद कर दिया. तो ये है जी असल रूप रिंग लाइट की फेकनेस से हटकर. तो अब गोश्त होता है तो मैं गोश्त में लगती हूँ. सारे काम वाम निपटाती हूँ. खाने वाने बनाती हूँ और उसके बाद हम ये व्लॉग कंटिन्यू करेंगे. और अगर आपको जानना है कि हाउ आई मेक दिस प्रीटी आउटफिट तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट हाउ वी डिज़ाइन दिस आउटफिट टुगेदर. मैंने आपसे अपने इंस्टाग्राम पर पोल लिया था एंड आपने वोट वगैरह किया था सारा कुछ. तो हमने ये आउटफिट तैयार कर लिया है एंड इसकी सारी डिटेल मैं कल वाले व्लॉग में दूंगी. हमजा इज़ गॉन टू गेट द काउ कट एंड अब विनायक को मैं सुला दूंगी ताकि मैं थोड़ा बहुत काम कर सकूं. इट्स गोइंग टू बी अ टफ डे. मुझे भी डिसाइड करना है कि मुझे क्या बनाना है. और मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं ऐसे चलते फिरते लोगों को नहीं पकड़ाती. आई लेट इट गो अहेड एंड फाइंड एक्चुअल गरीब जिनको ज़रूरत है. सो दैट इंक्लूड्स ऑल द गार्ड्स एंड द मासियाँ जो लोग धूप में मेहनत करते हैं घर घर जाके मेहनत करते हैं. जमादार जो महीने 20,000-15,000 कमाते हैं और उसके बाद उनको ऑब्वियसली गोश्त उनके लिए एक लग्जरी है. तो ऐसे लोग हकदार होते हैं ना कि वो जो आपके घरों में आके बेल बजाते रहते हैं गोश्त कलेक्ट करते जाते हैं फिर जाकर बुचर की दुकान पे बेच आते हैं. अच्छे हिस्से निकाले हैं ऐसे लोगों के लिए जो कम कम गोश्त खा पाते हो. और ऐसे लोगों को ढूंढ के उनको गोश्त दें बजाय कुर्बानी. आई थिंक इसीलिए होनी चाहिए कि आप
जरूरतमंद को ढूंढें. मेरे लिए दिस टास्क इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. मामा बाबा को शायद आधा हिस्सा भी नहीं रखना है गाय का, विच मीन्स लाइक ऑल द 7 हिस्सास आर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और हमजा की. एंड दिस इज टफ, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ. हमजा ने फर्स्ट राउंड ऑफ गोश ऊपर लिया है. अब ये है बिल्कुल बोनलेस टाइप का मीट. ये मामा ने मैट भिजाया है बड़ी अम्मा के स्कूल का, बड़ी अम्मा ने दिया था, सो उस पर होगा सारी कार्रवाई. सो द टाइल्स गंदे ना हो. कलेजी आ गई है. आई डोंट नो दिस इज कलेजी एंड व्हाट, बट दिस इज जस्ट देयर. एंड ईद पे ही मेरी मेहंदी बिल्कुल ही धुल चुकी है जी. सारा गोश ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका है. दीज आर द चांपे, दीज आर सम मिक्स हड्डीज, दैट इज प्योर गोश, दैट इज प्योर गोश. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मज़े का गोश ये जो रखा है, ये है सारा निहारी का. दिस इज लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट गोश बिकॉज वी लव निहारी. इसके बनेंगे स्टर फ्राई, ये मैं भी खुद काटूँगी. तो सबसे इम्पॉर्टेंट गोश इज राइट हेयर एंड माई हाउस इज अ मेस. बट कौन सा घर है जो कुर्बानी के टाइम करना नहीं होता. अब गोश होगी अलवला क्यों उठा निकाल रहे हैं. मैं इसमें से वो चुनूंगी. कैन आई डू दिस फॉर यू? नहीं, जस्ट प्रॉपर गोश चाहिए. इसमें तो हलीम नहीं होती. नहीं नहीं, मुझे आता भी नहीं है. करो खुद ही उठाओ उठाओ. शाबाश. मैं खाना पका सकती हूं लेकिन सो मच नहीं, देखूं कि कुछ हो रहा है. कोई बात नहीं, उठाओ. हो गया हो गया, पहली दफा का ही होता बस. हम फतेहगढ़ गुलवलीगढ़ में रहते थे ना, वो छोटा था, बहुत घिन आती थी. तो ईद थी, दरवाजे में बेल बजी, दरवाजे पे गया, उसने बोला लड़कियां थी दो बड़ी सी ना, उसने बोला हाथ करो. मैंने हाथ यूं किया, उसने यूं हाथ रख दिया मेरे माँ पे. मेरे हाथ पे ही अच्छे कि ये क्या हुआ मेरे साथ. मेरी बेटी के उठने से पहले सब कर दो नहीं तो मसले हो जाएंगे. मुश्किल है नहीं, मुझे वो तो खेलेगी इसके अंदर, उसको समझ नहीं आएगा, उसको समझ नहीं आएगा. ये उसको नहीं भाई, मैं उसको गंदा हो जाएगी. दिस इज वन हिस्सा दैट इज गोइंग समवेयर, आई डोंट नो. ये मेरा हलीम का बॉक्स इज डन. ओके, नेक्स्ट बॉक्स इज बीफ बिरयानी. लेट्स गो विद बीफ बिरयानी. मुझे क्या देख दो, मैं खुद सेम फीलिंग में हूँ, मुझे छूना नहीं गंदे हाथों से. बॉक्स यहीं रहने दो, बॉक्स यहीं रहने दो. हम इसको लेके जाएंगे, इसमें फिल करेंगे, लाएंगे, धोएंगे, फिर बॉक्स में रखेंगे. खुद कर, नहीं जानो, नहीं मैंने किया, मेरे हाथ से कितनी स्मेल आ रही है ना. मैंने दालें भिगा ली हैं हलीम के लिए, तो अब बनेगी हमारे घर में हलीम. ये बॉक्सेस हमने भिजवाने, ये मेरे चंद बॉक्सेस फिल हो चुके हुए हैं. जानो इसमें बहुत पानी है, नहीं इतना नहीं है. तो ये टोटल है हिसाब. तो अभी हमजा को हम भेजेंगे कि हमजा ये बांटे, जब तक वो हम सब समेटते हैं. बस भेड़ तो बंद नहीं करना. ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है बीफ स्टर फ्राई के लिए. पतले पतले. अच्छा सही है, पतले पार्ट से क्या है? अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ यखनी. मैंने गोश अलग कर दिया गर्दन का, और अब इससे मैं आया के लिए, इन आया के लिए यखनी बनाऊंगी. ये भी डाल दूंगी, इनफैक्ट ये सारा डाल के चढ़ा दूंगी इसमें. यहाँ चढ़ी हुई है मेरी यखनी, यहाँ बन रही है जी ये हलीम के लिए गोश. ये मेरे फ्रीज़र में सॉर्टेड हो गई हैं चीज़ें. तो ये सब कट गया, धनिया हरी मिर्च प्याज फ्राई कर दी गई है. हलीम का कोरमा तैयार है, यहाँ यखनी उबल रही है. तो अब मैं ज़रा आप लोग को इसको चला कर दिखा दूँ. अब तो मैंने यहाँ पर ये दो बोटियाँ निकाली हैं, आपको दिखाती हूँ तोड़ के. अच्छे से हो गए हैं ये, वो रेशे रेशे करते हैं, उसके बाद मिलते हैं. सारी मैंने बोटियाँ निकाल ली हैं, और जस्ट लुक एट द रोगन, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा रोगन ऊपर आ गया. अब इसमें बस गोश्त के रेशे करने हैं और दालें मिलानी है, एंड वी आर डन.
ऐसे है, इसका सारा जॉ वगैरह सारा कुछ जो है वो हो चुका है। अच्छा ये अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने नया के लिए पुलाव थोड़ा सा चढ़ा दिया है। यखनी इज डन और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी अच्छी यखनी बनी है। तो वर्ड्स नहीं, मेरे पास खुद वर्ड्स नहीं है, फैन हो गई हूँ मैं अपनी खुद की। इसमें मैंने रेशे करके अब मैं इसको साथ में करके पकाऊंगी। आई थिंक कैमरा ही करती हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है फ़ोन जो है ना गिर ना जाए, फिर रमज़ान में छोड़ना नहीं है। रेशे सारे हाथ से किए हैं ताकि मुंह में मज़े से आएँ, और मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ मैंने कितना कोरमा ये सारा धीरे धीरे करके मिलाया है ताकि आप लोग बोर ना हो जाएँ। जो हलीम के लिए ये देखती हुई मेरी छोटी पड़ गई है तो मैं ये बड़ी वाली को मैंने ये यखनी अलग कर लिया है, मगर मैं सोचूँ ये भी इसमें मिला दूँ। गोश इतने अच्छे से गल गया है, 6-7 घंटे कब से लगा हुआ चढ़ा हुआ था, ये देखें आप कितना अच्छे से हो गया। ये सब तैयार है, हलीम मेरी अब बस आखिरी टाइम्स में है। पुलाव मेरा रेडी है, मैंने बस हरी मिर्च ऊपर डाल दी थी कि अब वो दम लगेगा और हरी मिर्च का थोड़ा सा एसेंस आ जाएगा। ये रही मेरी यखनी, किचन पूरा टाइडी है, घर पूरा चमक रहा है, हर एक चीज़ शाइन मार रही है। आई हैव वर्क्ड लाइक रियली रियली हार्ड एंड अब मेरी हो गई है बस। अब राइस मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे तो नाया के लिए हमने मैश किए थे लेकिन खा ये कुछ नहीं रहे, कुछ खा लो देखो। आपने वाइस वाइस बोला, मैंने जल्दी से अपनी बेटी के लिए वाइस बनाया कि जल्दी से खा लेगी, कुछ नहीं खाएंगे अभी अभी नाई नाई करके आए ना। चलो डैडी को भेजते हैं, डैडी मैंगो लेके आ रहे हैं ना, फिर हम खाएंगे। ओ सॉरी सानू, हमने बताया नहीं था कि चुप रहना है। ये क्या हो रहा है मेंढक डड्डू। अब बना रही हूँ जी मैं कस्टर्ड, ये मैंने मैंगो कस्टर्ड घोल लिया है तो मैं कुछ मैंगो डिलाइट टाइप का कुछ बनाने लगी हूँ। देखें आप कितनी अच्छी लग रही है, मैंने कुछ हिस्से डाल के दरदरे इसलिए छोड़े हैं कि मुंह में आते ना तो अच्छे लगते हैं। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ ये इतनी अच्छी हलीम बनी है ना, मतलब हमजा डज नॉट इवन ईट ये लाइक हलीम एंड ही इज़ गॉन कि वो रोटी लेकर आए और फिर ये खाए। सब लोगों के वैसे ईद का दिन ना दोष समेटने में, खाने पकाने में, इन सब में निकल जाता है। तो मेरी हलीम तैयार है, ऑलवेज कीप एक साइड में प्लेट ताकि आप तख्तों वख्तों को गंदा ना करें। मुझे बिल्कुल गंदी लगती है, देखती हूँ कि साइड्स में कुछ लगा हुआ हो ना। इसको हम चाट लेते हैं। यम यम। तो मैंने ये ले लिया, इसको मैं कप में डालूंगी इतनी। मम्मी दिस इज लाइक इतना। ठीक है जी जानी जी मेरा बेटा। सब्सक्राइब। मैंगोज काट लिए मैंने, मुझे कैसे गोल गोल बनाना लाए हो आप पता नहीं, अभी तक खोले नहीं मैंने। चलो जी अब मैं इसको करूँगी ब्लेंड, ब्लेंड नहीं विस्क करने वाला लगा दूँगी एक्सटेंशन, और ये वाला मैंने निकाल दिया है, मैंने ये लगा दिया है। अब हम ये बटन प्रेस करेंगे एंड नाउ आई विल जस्ट ऐसे अब बनाना कस्टर्ड डालेंगे। हमजा इज डिशिंग आउट द हलीम, अब इस पर डालेंगे। हम बाबा भी आ गए हैं, ये मैं जा के रख के आती हूँ इधर। आइसक्रीम नहीं है क्या? बना हलीम बनाई ना? हाँ खाई ना ले, वो बोतलों के लिए आ रही है। नहीं अबे अदरक नहीं काटा, अदरक भूल गई मैं, अब अदरक काटने का टाइम नहीं है, उसके बिना ही खाए। अरे लीम आप डाल दो। हाँ अनाया आओ, कितने? टू। ये तो बहुत ज्यादा है यार। अरे ये चमचे से खा देंगे तो मुझे।
यही तो मुश्किल है, बल्कि मुश्किल क्या नामुमकिन है, एक ही चीज तो है जो मेरे साथ दे रही है। तो ये सब मैंने आज बनाया है, अब मैं इसको भिजवा रही हूँ नीचे। लेकिन वो मैंने कवर किस तरह करना है वो मैंने निकाला नहीं है। क्लिंग रैप कितना आज मैंने काम करा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं खाना नीचे भिजवा रही हूँ। आज मैं एक सेकंड को नहीं बैठी हूँ, मुझे हमजा का जो कस्टर्ड है ना, कस्टर्ड जो भी बना रही हूँ मैं पूठा, उसको भी अभी वो करना है, क्या कहते हैं, गार्निश वगैरह करना है। या क्या हमजा का, और यकीन करें ये पूरा है ना, ये ख़त्म कर भी देगा, इसको इतना पसंद है ना ये सब। खा दूँ? पूरा भी खा लूँगा। गुड जॉब, आपके लिए बनाया है, सो यू कैन ईट नाउ। इसको नहीं, लिटरली डाइंग राइट नाउ। बीच से कौन निकालता है? बीच से नहीं, साइड से निकाल रहा हूँ। मेरे लिए बना था ना, जैसे मर्जी खाऊं। अच्छा ठीक है, खाओ। मसला क्या है? कोई भी मसला नहीं है। बनाना वाला लिया कस्टर्ड, नीचे की लेयर लिया आपने, केक शेक तो नीचे है ना, मेन मैंगोज भी नीचे बहुत सारे। खाओ। और कोई नहीं खा रहा? खा रहे हैं लोग, खा रहे हैं, खा रहे हैं लोग, खा रहे हैं लोग, खा रहे हैं। पहले खुद तो खाओ। सो आई डिड नो कि आई थिंक काम बहुत ज़्यादा होने वाला है, आई वोंट बी एबल टू शूट द आउटरो, तो वो मैं अभी ही शूट कर रही हूँ। तो अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, गो हैड सब्सक्राइब टू माई चैनल ना। कल का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। वंस अगैन, कल का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट दिस आउटफिट डिजाइनिंग वीडियो, हाउ वी रीच्ड, ये आउटफिट कैसे बना, इसके अंदर क्या क्या मुश्किल पेश आई, आप लोगों ने किस तरह मदद की इस आउटफिट को बनाने में। दिस इज़ ऑल गोइंग टू बी इन टुमॉरोज़ व्लॉग, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट आउट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा ढेरों दुआएं दीजिएगा, कि अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड डोंट फॉरगेट टू लीव मी अ लाइक एंड डू कमेंट अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हैं। विद दैट मैं चलती हूँ, मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जिसमें हम ये आउटफिट डिस्कस करेंगे, हाउ वी रीच्ड इट। एंड अब मैं थक चुकी हूँ, बिकॉज अभी से ही मैं थक चुकी हूँ, मुझे बहुत काम है। सो आई एम जस्ट गोना टेक यू एंड लीव। अल्लाह हाफिज़।